जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें, हम जब भी अपनी लाइन बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमसे जो है वो आगे छोटा है या बड़ा है। अगर बड़ा है और हमें आगे नज़र नहीं आ रहा है तो हम छोटे हैं, तो हमें आगे आना है। तो ज़रा इस तरह लाइन सही करें, अगर आप छोटे हैं तो आप आगे आ जाएं और अगर आप बड़े हैं तो पीछे चले जाएं। सबको नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है बेटा? आपको नज़र आ रहा है? देखें आपको नज़र नहीं आ रहा, ये आपसे बड़ी हैं, ये आपसे बड़ी है ना। देखें आप आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं जी। तो अच्छा चलें, आज हमने आज आप क्या पोएम पढ़ रहे हैं? आज की पोएम कौन सी है? चलें पढ़ें। अच्छा ये जो हम पोएम पढ़ते हैं ना, तो हमने क्या करना है, पोएम को एक साथ पढ़ना है पहली बात। दूसरी बात ये है कि पोएम अगर एक्शन में नहीं है ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा ये जो हम टूथब्रश करते हैं या अपने दांतों को साफ रखते हैं, तो ये इसलिए करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे दांत साफ हों और हम जो है ना फ्रेश हो जाएं। हम क्या हो जाएं? फ्रेश हो जाएं। सुबह सुबह हमें क्या करना चाहिए? दांतों को साफ करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, टूथपेस्ट लगाना चाहिए, ताकि हमारे दांत जो है वो बिल्कुल कैसे हो जाएं? फ्रेश हो जाएं और ताज़ा दम हो जाएं, इसमें कीड़ा ना लगे। जिन बच्चों के दांत में कीड़ा लग जाता है उन बच्चों के दांत को कीड़ा ले जाता है, पता है आपको? रात को सोते हुए पता चलेगा एक दांत आपका है ही नहीं, तो पता चलेगा कि भाई वो तो दांत में तो कीड़ा लग गया और दांत कीड़ा ले गया, तो आपने कीड़ा तो नहीं वो करना, ठीक है ना। तो जो दांत साफ करेगा उसके मुंह में, उसके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। और दांत जो है हमेशा याद रखें कि कभी भी मीठा ना खाएं, टॉफियां ना खाएं, स्लेंटी ना खाएं, ये सब ये जंक फूड हैं और ये गंदे फूड होते हैं। कौन से होते हैं? गंदे फूड होते हैं। हमें घर में अम्मी से बोलें कि जो ना फ्राइज़ बनाते हैं, अम्मी से बोलें कस्टर्ड बनाते हैं, अम्मी से बोलें खीर बनाते हैं, आपको अगर मीठा खाने का दिल चाह रहा है, इसलिए कि बच्चे जो होते हैं वो मीठा खाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो बाहर से टॉफियाँ, सलेंटी, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। ये इससे जो है वो कीड़ा बनता है। इससे क्या बनता है? कीड़ा बनता है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? दांतों को साफ रखना चाहिए। अच्छा एक दफा हम दोबारा पोएम पढ़ें जी।